हेलो फ्रेड, मैं सुशीला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला टेरिस गार्डन में। फ्रेड, आज मैं कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। तो फ्रेड, ये मेरी अक्टूबर महीने की पहली हार्वेस्टिंग है और जो है ये मेरी तीसरी हार्वेस्टिंग है इस सीज़न की। तो फ्रेड चलिए आज हम कुछ हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन फ्रेंड, हार्वेस्टिंग करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए हम हार्वेस्टिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरे कितने सुंदर सुंदर गुल मेहंदी के फूल खिल रखे हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर है और देखिए कितने सारे खिल रखे हैं, कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। तो चलिए हार्वेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड देखिए मेरे कितने अच्छे अच्छे फ्लावर खिल रखे हैं। देखिए सुबह सुबह बहुत ही अच्छे खिलते हैं फ्लावर। ये देखिए, ये जो है लाइट पिंक है और ये देखिए ये डार्क पिंक में है। देखिए ये वाले कलर थोड़ा डार्क पिंक में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसमें एक ही ऐसी कलर आ रहा है लेकिन हल्का सा डार्क या हल्का लाइट में है। तो ये दो कलर, इसका छोटा साइज है और इसका बड़ा साइज है इस वाले का। तो फ्रेंड ये देखिए। तो फ्रेंड चलिए हार्वेस्टिंग करते हैं। तो आज हम पहले ब्रिंजाल की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए इस पर ब्रिंजाल लग रखे हैं। ये देखिए ये मेरा बड़ा सा प्लांट है और इस पर ढेर सारे ब्रिंजाल लग रहे हैं। और देखिए ये देखिए इस पर अभी ये छोटे छोटे ब्रिंजाल हैं। अभी ये बड़े बड़े होंगे तो फिर मैं जो है इनकी हार्वेस्टिंग करूँगी। ये देखिए, ये देखिए इस पर बहुत सारे लग रखे हैं। अभी छोटे छोटे हैं तो जो बड़े हैं उनको तोड़ लेते हैं। जैसे कि ये बड़ा है तो ये देखिए, जैसे ये बड़ा है तो इसको तोड़ लेते हैं। ये देखिए इसमें रख दिया और ये देखिए इसमें लग रखे हैं। इस पर बहुत सारे हो रखे हैं लेकिन हम जो है, और ये दरबार के मैंने बहुत सारे ब्रिंजाल के प्लांट तो हटा दिए फ्रेंड, थोड़े से ही रखे हैं, दो चार ही रखे हैं। ये देखिए इस पर भी लगा था और ये देखिए अभी और लग रहा है इस पर इधर, और इस पर तो ढेर सारे लग रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ढेर सारे ब्रिंजाल लग रखे हैं इस पर। तो ये अभी छोटे हैं, चाहे तो छोटे ही भरवा बना लें लेकिन अभी दो चार दिन बाद इनके हार्वेस्टिंग बाद में करेंगे। तो और फ्रेंड ये देखिए इधर ही मैंने जो है तुरई का प्लांट लगा रखा है। ये देखिए ये तुरई इसमें लग रखी है और देखिए तुरई लग रखी है मेरी। ये देखिए एक इधर लग रखी, एक इधर लग रखी, दो तुरई लग रखी। तो ये देखिए ये भी हार्वेस्टिंग के लिए हो गई है। तो इसको नहीं रही, तेजी से काटना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए फिर, और इसको भी, इसको भी। फ्रेंड ये देखिए छोटा सा पेड़ है ये, और इस पर मेरे जो है ये देखिए 250 ग्राम तुरई निकल आई इस पर। ये देखिए तो अब चलिए फ्रेंड इधर की हार्वेस्टिंग करते। उधर से हमने ले लिया है और इधर देखिए इस साइड को लगे हैं मेरे। ये देखिए करेला, ये देखिए ये करेला लगा है। तो हम करेले की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड आप भी जो है अपने टेरिस पे लगा सकते हैं ये करेले। फ्रेंड मैंने ये बीज से नहीं, ये जो है मैंने मतलब ये मैं मार्केट से बीज नहीं लाई। ये जो करेला हम बनाते हैं सब्जी लाते हैं उसी करेले का बीज डाल दिए थे मैंने। तो वही करेला जो है हो गया था उसी करेले को। ये सेम का भी प्लांट लग रहा है फ्रेंड, सर्दियों में सेम भी लगेंगे। और ये बीज वाली तुरई है, ये वाली ये कड़ी हो रखी है। और ये देखिए ये करेला लग रहा है भी, ये छोटा सा करेला है, जब बड़ा होगा तब तोड़ेंगे। और दिखाते हैं हम आपको, अरे इधर से भी हार्वेस्टिंग इधर लगी है तुरई है। ये देखिए
ये देखिए पैर, एक तरह ये है, एक तरह ये है और एक तरह ये देखिए इधर से ये भी, ये देखिए इधर से मेरी जो है पूरी तरह इधर से निकल आई है। और देखिए इधर ब्रिंजाल की प्लांट, ये देखिए इनको हाथ से ही तोड़ देते हैं। ये देखिए ब्रिंजाल, ये देखिए ब्रिंजाल, ये देखिए पैर इधर, ये जो है ग्रो बैग में लगा, ये मैंने कट्टे में लगा रखे हैं। ये देखिए ये तो इतना ही पूरा ही टूट गया। और ये देखिए हल्दी के प्लांट है, ये हल्दी है, ये जो है ये पहाड़ी हल्दी है, मैं पहाड़ से लाई थी हल्दी, तो ये पहाड़ी हल्दी लगा रखी है मैंने इसमें। ये देखिए और इसे ये देखिए ये ब्रिंजाल, और ये देखिए ये मेरा जो है ये उसका प्लांट है। ये देखिए इस पर ये लग रखी है, ये देखिए रेड कलर की हो रखी है, ये दो तीन कलर में आती है। ये देखिए अभी इसको तोड़ नहीं रहा, इस पर बीजा बन जाएगा तो इसी के बीज में जो है फिर बोऊंगी। फिर इसको जो है शिमला मिर्च है, इस पर लग रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए। तो इधर से तो तोड़ लिए, और देखते हैं इधर और ब्रिंजाल है, एक प्लांट इधर है ब्रिंजाल का, ये अभी छोटा सा ब्रिंजाल है ये, लेकिन छोटा सा इसको बाद में तोड़ेंगे। और ये देखिए फ्लैट कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, और ये देखिए ये तिल का प्लांट भी देखिए कितने सारे सीड्स बन रहे हैं देखिए। और ये भिंडी तो बीज के लिए हो गई है, ये भिंडी बीज के लिए रख दूँगी। ये भिंडी से मिली बग लग रही है देखिए, अब सीजन ऑफ हो रहा है ना इसका, तो ये देखिए इस पर, और ये देखिए इस पर गेंदे पे जो है बहुत सारे बर्ड्स निकल रहे हैं। ये जो है छोटा वाला गेंदा है, इस पर अभी बहुत ब्लूमिंग हो गई यहाँ सब। तो चलिए फ्रेंड, और कब तो भी हार्वेस्टिंग करेले की। तो फ्रेंड ये देखिए इधर भी मेरा करेले का प्लांट लगा है, और इधर भी हार्वेस्टिंग इधर भी करते हैं। तो देखिए इधर करेले लगे हैं ढेर सारे, ये देखिए। ये देखिए करेला, ये करेले मैंने जो है ऐसे ही खाने वाले करेले जो लाते हैं उसी से ग्रो किया था। और ये देखिए ये क्या लग रहा है, देखिए ये देखिए ये पहाड़ी घुइयां है फ्रेंड, ये पहाड़ी घुइयां लग रही है इधर, पहाड़ी घुइया की बोई थी मैं। और एक करेला इधर लगा है, ये देखिए। और रख देते देखिए, ये तुरई अभी बहुत छोटी है, इसको रहने देते हैं। करेले लग रहा है इधर, ये तुरई छोटी सी है, अभी होने देते हैं इसको। छोटा सा पेड़ है तुरई का, इसी पे एक तुरई लग गई, ये देखिए। और ये करेले लग रहे हैं ढेर सारे अभी, ये देखिए करेले लग रहे हैं। तो फ्रेंड आज मैंने जो है
अपनी हार्वेस्टिंग की। और ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने DIY प्लांटर पे लगा रखा है, इस पर भी एक लग रखा है, ये देखिए परिंदार, ये देखिए। और फ्रेंड, मेरी वीडियो में आपको ची 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 की आवाज़ आती होगी, तो ये देखिए इसमें जो है चिड़िया ने बच्चे दे रखे हैं, देखिए वही चिड़िया ची 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 लगी रहती है, ये देखिए। सॉरी फ्रेंड, पता नहीं खाए खांसी आने लगी। तो फ्रेंड, ये जो है ये मेरा गमले में लगा है, देखिए तुलसी भी कितनी अच्छी हो रही है इसमें। और ये रेन अमरस लिली के प्लांट है इसमें, इसी में एक ब्रिंजाल का प्लांट भी है, देखिए इसमें भी ब्रिंजाल लग रखा है। तो इसमें लगे थे बहुत सारे ब्रिंजाल, ये वाला तोड़ दिया, ये देखिए तोड़ दिया ब्रिंजाल। तो फ्रेंड चलिए, बस आज के लिए इतनी ही, इतनी हार्वेस्टिंग बहुत है फ्रेंड आज के लिए। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और गार्डनिंग करते रहे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।